प्रदेश का जनजातीय जिला किन्नौर कई पारंपरिक पहाड़ी जैविक उत्पादों और सूखे मेवों के उत्पादन के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की पहचान इन्हीं उत्पादों से है, लेकिन समय के साथ साथ ये उत्पाद बाजार से लुप्त होते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सेब की नवीनतम किस्मों की ओर बागवानों का बढ़ता रुझान इसका मुख्य कारण है। बागवानी विशेषज्ञों का कहना है कि पारंपरिक उत्पादों एवं सूखे मेवे को तैयार करने में अधिक श्रम और उत्पादन लागत आती है, और वहीं सेब की नवीनतम किस्मों की बागवानी से उन्हें जल्दी और अधिक लाभ हो रहा है। अब लोग विकल्प के तौर पर सेब की बागवानी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अन्य पारंपरिक फसलों के उत्पादन का क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। नई वैरायटीज का सेब आ रहा है और जल्दी जो है प्रोडक्शन में जो है आ रहा है, और चार से पांच साल में जो है ये बीरिंग में आ रहा है सेब, और इसके रिटर्न्स अच्छे हैं, इसलिए जो है लोग जो है किसान जो है एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले में स्थानीय उत्पाद लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले वे 12 से 15 क्विंटल खुबानी और 3 क्विंटल बादाम लेकर आते थे, लेकिन इस बार वे 1 क्विंटल खुबानी और 30 किलो बादाम लेकर आए हैं, और पैदावार कम होने के चलते दरें भी अधिक हो गई हैं। मेले में इस बार बादाम, खुबानी, चिलगोजा, राजमा, मटर, काला जीरा, शिलाजीत और कई प्रकार के अनाज लाए गए हैं, लेकिन मांग की अपेक्षा इनकी आमद बेहद कम है। सेब पे लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अब, तो इस वजह से हमारे जो जो आपका चुली हो गया, जो बादाम हो गए, वो कम हो रहे जी, बहुत कम। लोगों ने सेब कई यहाँ काट दिए, क्योंकि सेब में ज्यादा ध्यान दे रहे लोग सब अब, तो इस वजह से थोड़ा सा महंगा हो गया जी इस बार। यही कोई 2-4 साल पहले से कम चूली लाता था मैं 10-12 क्विंटल, तो बादाम लाता था 3-4 क्विंटल है। इस बार मेरे पास 30 किलो बादाम और 1.5 क्विंटल चूली है जी। इस पिछले बार भी काफी तेजी नहीं था, इस बार भी वैसे लग नहीं रहा, बहुत मंदा है, क्योंकि कारण ये है कि ड्राई फ्रूट जितने भी है बहुत महंगा पड़ रहा है हमारे को भी खरीद। मेन तो हमारे किनों में मैक्सिमम सारे लोग बगीचे तैयार कर रहे हैं, जो खाली जो जमीन में सारे जो प्लेन जमीन है वो सारे बगीचे तैयार होने के कारण तो राजमा की पैदावार बहुत कम हो रहा है। कृषि विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश जायसवाल ने बताया कि विभाग किसानों को अनुदान देकर पारंपरिक फसलों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। लोगों को बीज भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि लुप्त हो रही फसलों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके, क्योंकि इन फसलों में औषधीय गुण अधिक हैं। हमारी जो है लोकल फसलें हैं, जैसे कोदा, कांगनी, बिथू जो भी है, तो विभाग इनके ऊपर सब्सिडी प्रदान कर रहा है और बीज उपलब्ध करवा रहा है सब्सिडी अनुदान पर, तो हम किसानों को इसकी तरफ ज्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं। और किसान भाई इसको हमारे पास जैसे मैक्सिमम वैराइटीज आई है, हमारे स्थानीय रामपुर की है, और इसमें कोदा कांगनी और पूरा हमने लाइव इसमें रखा हुआ, ताकि किसान भाई ज्यादा इसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो और जो इसमें और बगीचे के बीच में इसको उगा सकते हैं। वास्तव में सेब की बागवानी की ओर तेजी से बढ़ रहे किसानों के कदमों से अन्य पारंपरिक फसलों की पैदावार घटती जा रही है। लोगों को निरोग व स्वस्थ जीवन का लाभ देने के लिए इन फसलों के उत्पादन की दिशा में और अधिक प्रयास किए जाना समय की आवश्यकता है। DD News के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट।